अभियंता दिवस के अवसर पर भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर गुरुवार को दुर्ग के राजन पार्क चौक पर मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री तामध्वज साहू, विशेष अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। शहर के हृदय स्थल पर जीई रोड में राजेंद्र पार्क चौक जाना पहचाना नाम है। देश की आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति बने बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम को अक्षुण रखने दुर्ग में भी उनकी प्रतिमा बीच चौराहे पर लगाई गई है, लेकिन भाजपाई महापौर सरोज पांडे के कार्यकाल में चौक का सौंदर्यीकरण करने के नाम पर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा को नज़दीक ही पार्क में स्थापित कर दिया गया। गौरतलब है कि इसी कड़ी में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्वेश्वरैया जी के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए वर्ष 1955 में भारत रत्न की उपाधि से विश्वेश्वरैया जी को सम्मानित किया गया एवं विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से यह परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक पर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की मूर्ति का अनावरण होना तय किया गया है, जिसकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। वहीं मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम को लेकर कार्यपालन अभियंता सुरेश पांडे ने विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। महान अभियंता भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जी का 15 सितंबर को जन्म दिवस है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा था। ये हमारा पुराना गेट है तांदुला संभाग का, लेकिन गेट पिछले 10 साल से बंद था। तो रोड चौड़ीकरण में हम लोग बाउंड्री वाल अंदर आया था। हम लोगों ने प्लानिंग किया सभी इंजीनियर मिलकर कि इस चौक का सौंदर्यीकरण किया जाए। तो वहाँ पर इंजीनियरों के महान अभियंता विश्वेश्वरैया जी का मूर्ति लगाया जा रहा है और बैकग्राउंड में कृष्णा सागर डैम का फोटो लगाया गया है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। कल शाम को 5 बजे आदरणीय गृह मंत्री के मुख्य आतिथ्य में एवं हमारे जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी की अध्यक्षता में शहर विधायक अरुण वोरा जी और महापौर धीरज बाकलीवाल जी द्वारा मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। शहर के सभी इंजीनियर, सभी विभाग के और आज प्रथम दुर्ग भिलाई शहर मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में यहाँ इंजीनियरों की संख्या सबसे अधिक है। अपना भारत का भिलाई प्रत्यंत है, वहाँ भी बहुत इंजीनियर है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी यही है, IIT का निर्माण नहीं किया जा रहा है। सभी इंजीनियर कल सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम कल शाम को 5 बजे है। क्षेत्रीय जैसे उनको भारत रत्न दिया गया, उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए। जो बांध का निर्माण, विशेषकर जो बांध एक स्लूज गेट लगता है, उनका भी आविष्कार उनके द्वारा किया गया और उसी के कार्यकाल को सभी इंजीनियरों को बढ़ाया दे रहे हैं। तो हमारे इंजीनियरों के लिए तो एक पितृपुरुष ही है, इसलिए शासन उनको भारत रत्न सम्मान दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।